जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कन्फर्म कराऊंगा। तो नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आपका बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर BPSSC बोलते हैं। जॉब टाइप की अगर बात करें तो ये भर्ती स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 3/2020 है और यहाँ पर जो आपके पोस्ट है वो आपका सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट का होने वाला है। सैलरी आपको क्या मिलेगी आपको आगे जानने को मिल जाएगा। टोटल वैकेंसीज आपकी 2213 है। जॉब लोकेशन आपकी बिहार होने वाली है। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त 2020 और आप लोग इसमें 24 सितंबर 2020 तक फॉर्म को भर पाओगे। अब यहां पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 16 अगस्त 2020 को जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं फॉर्म फिलअप की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब यहां पर इसकी जो वैकेंसी डिटेल है वो देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर SI के लिए 1998 पद है, सर्जेंट के लिए 215 पद निकाले गए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आवेदन करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET एंड मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 700 रुपये है और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों भी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो कंफर्म कर सकते हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है, साथ ही आपको जानने को मिल पा रहा है कि आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी दी जाएगी। सर्जेंट की पोस्ट पर आपको 35,400 बेसिकली सेम ही सैलरी आपको इस पोस्ट पर भी दी जाएगी। नीचे आपको यहाँ पर आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं देने वाला, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी जानना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहां पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जा रही है, आप यहां पर देख लीजिए। आपसे स्नातक की परीक्षा मांगी है, तो चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम के अंदर अपनी ग्रेजुएट की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, बट यहां पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1/8/2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए या इसके फिर इसके पहले की होनी चाहिए, यानी कि लाइक ये आपकी एक लास्ट डेट है। अगर आपने ग्रेजुएट 1/8/2020 के बाद की है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे। जो आपकी एज लिमिट है आप यहां पर देख लीजिए, इन सामान्य अनारक्षित के लिए 20 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 37 साल है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 20 से 40 साल एज लिमिट है, जो कि छूट मिलाने के बाद में है। अनारक्षित सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहां पर एज लिमिट 20 से 40 साल के बीच रखी गई है। तो यहां पर आपने एज लिमिट भी कंफर्म कर ली है। अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित सामान्य के लिए जो मेल है उनमें हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर रखी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुषों के लिए यहाँ पर न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्गों की महिलाएं के लिए यहाँ पर न्यूनतम हाइट यानी कि मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है और कम से कम आपका वेट 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट में इन कैटेगरी से बिलोंग करने वालों के लिए बिना फुलाई चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर हो जाने चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फिर यहां पर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैंडिडेट है, इनके लिए चेस्ट बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए और इनको भी यहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना जरूरी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET, तो इसमें यहां पर जो रेस रखी गई है मेल के लिए वो यहां पर 1 मील की दौड़ होगी यानी कि 1600 मीटर की, जिसके लिए उन्हें यहां पर 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, यानी कि जो 6 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा लेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए यहां पर 1 किलोमीटर की दौड़ होगी यानी कि 1000 मीटर की, और उनके लिए यहां पर 6 मिनट का समय दिया गया है। 1 मील के अंदर 1600 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर आपका 1000 मीटर होता ही है। यहां पर 6 मिनट के लिए 6 मिनट का समय इनको दिया जाएगा और ऊंची कूद भी होगी, जिसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट रखी जाएगी और महिलाओं के लिए 3 फीट होगी। लंबी कूद मेल के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का
जो कि न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, इसमें आपको न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको और जानकारी, पदों की संख्या, जो आपकी वैकेंसी डिटेल है वो कैटेगरी वाइज जानने को मिल पा रही है कि कौन सी पोस्ट पर किस कैटेगरी को कितने पद दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कंप्लीट जानकारी कंफर्म कर ली है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है एग्जाम पैटर्न की, उसके लिए वेट करें, और 16 अगस्त को जो आपकी फॉर्म फिलअप की वीडियो आएगी उसके लिए भी आपको वेट करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लिंक एक्टिवेट होने के 1 घंटे बाद ही आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।